फाइनली Realme UI 2.0 और A.18 का अपडेट आने के बाद Realme 8 में आप सबको क्या क्या इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे बंदे मेरे को इंस्टाग्राम पे आके DM कर रहे थे कि बैटरी ड्रेनिंग इशू है या फिर PUBG में हाई पिंग जा रहा है या फिर बहुत सारे हैंगिंग प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, मैं इसमें सारे सॉल्यूशन बताया हूँ और कैमरा क्वालिटी कैसी है और परफॉर्मेंस कैसी है और क्या क्या बग्स इसमें आप सबको नए देखने को मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम आप सबके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं जो कि आप सबको यूट्यूब पर बहुत ही कम मिलती है। तो यार गाइज देख क्या रहे हो, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आपकी Realme 8 की जितने भी प्रॉब्लम्स है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप सबको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। ठीक गाइज, तो आज है हमारे पास Realme 8 और Realme 8 में आप सबको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है A.18 अपडेट आने के बाद। तो वीडियो में प्लीज़ से एंड तक बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सबके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम इसमें आप सबको क्या देखने को मिलती है, सबसे पहले UI बहुत ही ज़्यादा लैगी हो गया है पहले से, जो कि पहले अपडेट में उतना कुछ खास मेरे को पता नहीं चलता था, जबकि यहाँ पे अब बहुत ही ज़्यादा लैग। ने आप सबने मेरे को इंस्टाग्राम पे आके पर्सनली DM किया था कि विशाल भाई बताओ कि यार जब भी हम लोग ने ये अपडेट कर लिया है, जब ये वाला न्यू अपडेट जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया है Realme 8 में, इसके बाद हम लोग को PUBG में पिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिल रही है। उन लोगों ने कहा यार सिम स्लॉट भी हमने चेंज कर लिया, नेटवर्क भी चेंज कर लिया, एयरटेल से जियो पे आ गए या फिर जियो यूज़ कर रहे हैं वो एयरटेल पे आ गए। तो यार ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिल रही है। तो ये सारे ऑफिशियल मेरे को पता नहीं कि ये अब कैसे हो रहा है, मेरे डिवाइस में तो अच्छा खासा पिंग देखने को मिलता है, मतलब कि अप्रॉक्स 120 120 80 89 ऐसे देखने को मिल जाता है, लेकिन मतलब मेरे को लैग फ्रेम नहीं होता है ठीक है उतना। लेकिन कभी कभी इस फ़ोन में जब इस अपडेट को आने के बाद यार पिन जो है वो 150 से ऊपर रहता है मेरा अप्रॉक्स, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत लोग तो बोल रहे हैं 300 से ऊपर था उन लोग का ठीक है। तो पता नहीं ये न्यू फंडा जो है ये Realme 8 में ये आप सबको क्या देखने को मिलता है। और एक प्रॉब्लम इसमें और आप सबको देखने को मिल गई है जो कि है बैटरी ड्रेनिंग। बैटरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पहले से ड्रेन कर रही है और फ़ोन जो है यहाँ पे बैक प्लान से बहुत ही ज़्यादा हीट करने लग गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है। क्या आप सबको भी ये सारी प्रॉब्लम आई है, आप सब कमेंट में मेरे को जरूर से बता देना। और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आप सबके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेते रहते हैं। और आप सबने 90% लोगों ने यार मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। आप लोग वीडियो देखते हो यार सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दोगे तो यार मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा आप सबके लिए ऐसे ही वीडियोस इंटरेस्टिंग कंटेंट लाने के लिए। और आपने अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आकर आपके पर्सनली जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप फॉलो करके मैसेज कर लेना, मैं आप सबको वहाँ पे रिप्लाई देता हूँ। इनफैक्ट मैं सारे बंदे को रिप्लाई देता हूँ ठीक है। आप सबको कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी सजेशन चाहिए होंगे तो आप यार मेरे को डायरेक्ट वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और बात करते हैं इसमें हीटिंग जो हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई है ठीक है। और आप सब पूछ रहे थे यार Realme 8 के लिए कोई एक अच्छा सा कवर भी बता दो, तो मैं कवर यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, जैसे कि ये कवर है। तो गाइस कुछ इस तरह से आप सबको कवर देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ गाइस, तो जैसे ही आप कवर को लगाते हो आप सबको डिवाइस आप सबको काफ़ी इस तरह का देखने को मिल जाता है, मतलब कि काफ़ी प्रीमियम फील होता है। ये कवर जो है ना काफ़ी हार्ड केस, मतलब कि नहीं रबर टाइप का है। और ये कैमरा जो है आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा से कितना उठा हुआ है ठीक है। आपका कैमरा में तो यहाँ पे स्क्रैचेस तो लगने वाले हैं नहीं, इनफैक्ट मैंने Realme 7 में भी यही कवर लगाया है ठीक है, बट उसमें यहाँ पे स्वाइप अप करने वाला है, कैमरा को यहाँ पे छुपा देता है। बट ये वाला मुझे काफ़ी प्रीमियम लगता है गाइस ठीक है। यहाँ पे मतलब कि यार मेरे को वो बहुत ही ज़्यादा झंझट लगता था क्योंकि जब भी कैमरा यूज़ करना रहता था इसे ऐसे स्वाइप करके निकालना पड़ता था, बट ये वाला काफ़ी परफेक्ट है और काफ़ी अच्छा लगता है ठीक है। और आप सबको फ़ोन की जो लुक है वो काफ़ी इन्हेंस कर देता है। तो गाइज अगर आप सबको ये कवर बाई करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे आप जाके सीधे से आप जाके परचेस कर सकते हो ठीक है। और बात करते हैं बैटरी ड्रेनिंग की इशू है जो, उससे आप कैसे बच सकते हो। तो इसमें आप सिंपली से डार्क मोड को इनेबल कर लेना, डार्क मोड इनेबल करने के बाद यहाँ पे आप सबकी प्रॉब्लम हट जाएगी। उसके बाद आप सब सेटिंग्स में चले जाना, सेटिंग्स में जाने के बाद यार वहाँ पे एक परफॉर्मेंस मोड होगा तो वहाँ पे बैलेंस एंड परफॉर्मेंस सेट कर लेना, उससे आप सबको क्या होगा ये बैटरी बहुत ही कम खाएगी ठीक है, पावर ज़्यादा यूज़ नहीं करेगी और बैकग्राउंड में जितने ऐप होंगे वो किल कर देंगे गाइस। तो ये काफ़ी सही मेरे को लगता है ठीक है। पर अभी पता नहीं नेक्स्ट अपडेट आने के बाद यहाँ पे क्या होगा। नेक्स्ट अपडेट आती है आई होप कि ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर Realme 8 में जो है फिक्स हो जाना चाहिए। आप सब बहुत सारे कमेंट कर रहे हो Realme 8 Pro का वीडियो बनाओ, तो Realme 8 Pro मैं फाइनली टेस्ट कर रहा हूँ, उसकी वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगी। और इसका फिंगरप्रिंट स्पीड जो है वो पहले से थोड़ा सा स्लो हो चुका है मेरे को पर्सनली लगता है ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कभी कभी तो फिंगर लेता ही नहीं थी। ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आप सबको देखने को मिल रही है। अब लगता है नेक्स्ट अपडेट A.19 का अपडेट आएगा जो कि जुलाई के बाद आएगा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में शायद से ये मतलब कि अच्छा हो जाएगा। और बात करते हैं स्क्रीन, ये वाली फीचर मेरे को यार काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा, मतलब कि काफ़ी सुपर एमोलेड में ये काफ़ी अच्छा काम करता है, बैटरी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो
यार ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। काफ़ी ये प्रीमियम फीचर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो होते हैं फ़ोन वहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम करता है, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। और सारे यही सारे मतलब कि कमियाँ हैं यहाँ पे, और थोड़ी बहुत यूआई जो है वो बहुत ही ज़्यादा लैग कर रही है, तो यार कभी कभी लैग करती है और फ़ोन कभी कभी लिटरली ज़्यादा हीट होने पर हैंग कर देता है। तो ये सारी थोड़ी बहुत माइनर से प्रॉब्लम है। अगर आप सबको पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछना है रियलमी 8 के बारे में तो यहाँ पर इंस्टाग्राम भाई को फॉलो कर लेना यार, जल्दी से हम लोग को भी फॉलोअर बढ़ाने हैं और हम लोग की फैमिली को भी इंक्रीज़ करना है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, हमें जल्दी ही सब्सक्राइबर 10K तक पहुँचना है, ठीक है यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो यार तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और कोरोना वायरस से आप भी बचे रहें।